डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेरिस्टम तो आप जानते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद होती है, तो इसको कहते हैं मेरिस्टम। और इंटरकैलरी का मतलब होता है इंटर मींस इन बिटवीन, कैलरी मींस परमानेंट टिश्यू के अंदर, यानी वो मेरिस्टम जो कि दो परमानेंट टिश्यू के बीच में लटका हुआ हो और उसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी उसके सेल्स के अंदर हो, तो उसको कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। डेफिनेशन का है, दीज आर फाउंड इन बिटवीन द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये बिल्कुल परमानेंट टिश्यू के बिटवीन मौजूद होता है, तो उसको कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। मिसाल के तौर पर हमारे साथ कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, वन सेल, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। उसी तरह भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे सेल्स हैं कि जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद है, तो उसको कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो यहाँ पर आप देखें, ये भी परमानेंट सेल्स हैं और ये भी परमानेंट सेल्स हैं। बिल्कुल इन परमानेंट सेल्स के अंदर कुछ और तरह के सेल्स हैं जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद है, तो उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, सबसे पहले परमानेंट, तो आपको परमानेंट का पता होगा कि परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि डिफरेंशिएट कर चुके होते हैं, स्पेशलाइज्ड बन चुके होते हैं, जिसका अपना एक खास फंक्शंस हो, तो उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। यानी हमें उसका फंक्शंस मालूम होता है, हमें उसके स्पेशलाइजेशन मालूम होते हैं, उसके डिफरेंशिएशन का हमें इलम होता है, तो उसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। मिसाल के तौर पर अगर प्लांट बॉडी के अंदर ये वाले जो टिश्यू है ये स्टेम के हैं और ये भी स्टेम के हैं, तो स्टेम का फंक्शन हमें मालूम है, तो एक स्टेम और दूसरी ये जो स्टेम है उसके, ये सारा एक स्टेम है। ठीक है, तो ये स्टेम के सेल्स हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड हैं और बीच में कुछ इस तरह के सेल्स मौजूद है जो कि अनस्पेशलाइज्ड है, तो उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। फाउंड एट द बेस ऑफ इंटरनोड रीजन ऑन स्टेम। स्टेम पर दो तरह के रीजन मौजूद होते हैं, एक को इंटरनोड रीजन कहा जाता है और दूसरे को नोडल रीजन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये एक स्टेम है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक हमारे साथ एक स्टेम है, तो इस स्टेम पर कुछ इस तरह पॉइंट्स आपको नजर आएंगे, रेजिस आप पॉइंट्स नजर आएंगे यहाँ पर और सो ऑन, इसको कहते हैं नोड और इसको भी कहा जाता है नोड। एक नोड और दूसरे नोड बीच में जितना फासला होता है, तो उसको कहा जाता है इंटर नोड। यानी इंटर नोड के बेस पर बिल्कुल नोडल रीजन की हम बात कर रहे हैं कि नोड वाले जो रीजन है स्टेम के ऊपर, तो ये मोस्टली जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये इंटर नोडल रीजन के बेस पर मौजूद होता है। यानी नोड वाले जो रीजन होते हैं स्टेम के ऊपर, तो ये यहाँ पर मोस्टली मौजूद होते हैं और साथ में ये मेरिस्टमैटिक इन नेचर होते हैं। मेरिस्टमैटिक इन नेचर का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं इसके अंदर ये डिवीजन की एबिलिटी मौजूद है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक सेल है तो एक से दो सेल बन जाएंगे और इसी तरह दो से चार और एक जमगट्ठा सेल का बनेगा, तो इसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये मेरिस्टमैटिक इन नेचर होते हैं, यानी इट कैन बी डिवाइडेड एंड इट्स ड्यू टू इट्स डिवीजन इट्स ए डिफरेंट मास ऑफ सेल्स टू द प्लांट बॉडी। फॉर पार्ट ऑफ मेरिस्टम गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स बाय परमानेंट टिश्यू। और ये परमानेंट टिश्यू से ही, मेरिस्टम से ये अलाहिदा हो चुके होते हैं। कौन से मेरिस्टम से? एपिक्स मेरिस्टम, यानी एपिकल मेरिस्टम से। मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक सीड है, ठीक है, ये मिसाल के तौर पर ये एक सेल है जो कि एपिकल मेरिस्टमैटिक सेल है, ठीक है, तो इससे दो सेल मिसाल के तौर पर बनते हैं। ये एक सेल परमानेंट हो बन जाता है और ये एक सेल अनस्पेशलाइज्ड रहता है, तो ये यहाँ से मिसाल के तौर पर और भी बहुत सारे सेल्स इससे बनते हैं और बीच बीच में कुछ ऐसे सेल्स जो है वो अनडिफरेंशिएटेड रह जाते हैं, जो कि वो क्या हो, वो मेरिस्टमैटिक इन नेचर हो, लेकिन वो दो परमानेंट सेल्स के बीच में वो लटके हुए रहते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। और ये हमेशा से एपिकल मेरिस्टम से ही
उसके डिवीजन के नतीजे में ये बनते हैं, यानी जितने भी सेल्स हैं, जितने भी वो सेल्स हैं, मास ऑफ सेल्स हैं, चाहे वो एपिकल मेरिस्टम है, चाहे वो इंटरकैलरी मेरिस्टम के हैं, चाहे वो लेटरल मेरिस्टम के हैं, तो सारे के सारे ये किससे डिवीजन के नतीजे में बनते हैं, ये सारे के सारे एपिकल मेरिस्टम के डिवीजन के नतीजे में बनते हैं। तो इसी तरह ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, इसके सेल्स भी ये किससे सेपरेट हो जाते हैं, ये एपिकल मेरिस्टम से ये सेपरेट हो जाते हैं, ये और ये मौजूद होते हैं परमानेंट टिश्यू के बीच में, और ये क्या बनाते हैं, लीव्स और फ्लावर की फॉर्मेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे साथ जो ग्रासेस होते हैं तो उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये एक स्टेम है, ग्रास का एक स्टेम है, ये यहां से ये स्टेम है, तो स्टेम के ऊपर नोड रीजन मौजूद है, ये भी एक नोड है, ये भी नोड रीजन है, स्टेम के ऊपर ये भी नोड रीजन है और ये भी नोड रीजन है। तो ये स्टेम है एक, ये और स्टेम भी परमानेंट टिश्यू है और ये भी परमानेंट टिश्यू है, ये भी परमानेंट टिश्यू है, यानी सारा का सारा स्टेम क्या है, परमानेंट टिश्यू है। लेकिन बिल्कुल नोड वाले रीजन का अगर हम मुतालिया करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक सेल्स, इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। ये एक ग्रॉस का एक बॉडी है। मिसाल के तौर पर कोई चरवाहा आता है, उसको खा जाता है, यानी फीड कर जाता है, तो चूंकि यहाँ पर नोड के रीजन पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद है, तो यहाँ से दोबारा से एक स्टेम उगता है और वो एपिकल मेरिस्टम सबसे पहले प्रोड्यूस करता है, फिर एपिकल मेरिस्टम की डिवीजन के नतीजे में फिर लेटरल मेरिस्टम वजूद में आता है, फिर इसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम, और सारा का सारा इसी तरह ये ग्रो करता जाएगा और ये जो ग्रॉस है ये दोबारा से अपना जो लेंथ वाइज इंक्रीज है वो कर जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर लेटरल मेरिस्टम भी हो, क्योंकि लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ को पास करता है और मोस्टली हमें ग्रॉसेस के अंदर कोई लेटरल ग्रोथ या जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो हमें नजर नहीं आता, तो यहां उसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टम मौजूद होंगे। तो बिल्कुल नोड वाली रीजन से यहां नीचे से रूट्स अराइज होंगे और इस जो ग्रॉस है, प्लांट बॉडी है ग्रॉस के, तो वो इस रूट के जरिए से इसको एंकोरिंग मिलेगी और ऊपर जाकर यहाँ पर स्टेम प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर फ्लावर भी प्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ पर लीफ भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये क्या काम करता है, लीव्स और फ्लावर की प्रोडक्शन में ये किस तरह का किरदार अदा करते हैं कि यहाँ से लीव्स की भी इनिशिएशन हो सकता है और यहाँ से फ्लावर की भी इनिशिएशन हो सकता है।